अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज न्यूमेरिकल्स की सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स की। आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोस को रीड्स कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है, और आज हम ये भी हेल्प आउट कर देंगे आपको कि अगर आपकी फर्दर क्वेरीज हों उससे रिलेटेड, तो वो भी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा आपको, जिससे आप फर्दर क्वेरीज भी अपनी फिगर आउट कर सकते हैं। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, मोशन इन टू डायमेंशंस का चैप्टर है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, आज कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, पेज 55 पर क्वेश्चन नंबर 4, ईयर 1995 का सवाल है ये। उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि अ मॉर्टर शेल is fired at a ground level target 490 meters away with a velocity of 98 meter per second. यानी कि हमें यहां पर दो चीजें simultaneously given है, जो अभी मैंने एक sentence पढ़ा है इसमें दो data हमें पता चल रहे हैं given है। एक इसमें range given है 490 meters, correct unit है बिल्कुल, और इसके अलावा उसने projection की velocity दी हुई है कि मॉर्टर शेल को जो फायर किया गया वो 98 मीटर पर सेकंड, तो वी नॉट लिखते हैं हम इसे 98 मीटर पर सेकंड। मजीद उसने आगे कहा, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल्स। कह रहा है कि दो पॉसिबल वैल्यूज लॉन्च एंगल की फाइंड आउट कीजिए। अब यहां पे हम क्लास में एक चीज पढ़ चुके हैं, और वो ये है कि आपको आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था यहां पे, और वो था थीटा डैश इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस थीटा। अब इसमें से जो थीटा है, थीटा जो है ये बेसिकली लो ट्रेजेक्ट्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा डैश जो है वो हाई ट्रेजेक्ट्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जब एंगल से फायर किया जाए, किसी भी एक एंगल से फायर किया जाए और वो हाइट ज्यादा अटेन ना करे तो थीटा। यानी इससे एक और बात भी साबित होती है कि दो एंगल ऐसे होंगे एक वक्त में किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसमें एक ही रेंज कवर होगी। जैसे अभी यहां पे 490 कहा हुआ है उसने, तो 490 का मतलब यह है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो वो उस रेंज को कवर करने के लिए, दो एंगल्स यूज कर सकता है, एक लो ट्रेजेक्ट्री होगा और दूसरा जो है वो हाई ट्रेजेक्ट्री होगा। तो अब जो हाई ट्रेजेक्ट्री वाला है, ये थीटा डैश कहलाएगा, ये थीटा डैश है, और जो लो ट्रेजेक्ट्री है वो सिर्फ थीटा कहलाएगा। हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला है बेटे, आपने देखा भी उसमें कि हम उसमें थीटा यूज करते हैं, वहां थीटा यूज होगा, और फिर ये जो फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया है थीटा डैश इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इसकी हेल्प से हम सेकेंड जो एंगल है वो भी डिटरमाइन कर लेंगे। सो आई होप ये डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो थीटा थीटा फाइंड करना है आपने, थीटा डैश फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद उसने मजीद आगे कहा, कैलकुलेट दी मिनिमम टाइम टू हिट दी टारगेट। आपको वो मिनिमम टाइम चाहिए। पहले तो यहां इस फर्क को समझ लो बेटे के, यहाँ टोटल टाइम की बात हो रही है, उसकी वजह ये है कि प्रोजेक्टाइल फायर हुआ, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, वापस ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अच्छा, दूसरी बात, उसने यहां जानबूझकर टर्म इस्तेमाल किया है मिनिमम टाइम का, क्योंकि देखो ना, जब आप टी डैश फाइंड करोगे तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कल वाले फॉर्मूलाज में से देख लेना, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। अब क्वेश्चन आएगा कि वहां थीटा पुट करना है कि थीटा डैश पुट करना है, तो याद रख लो कि अगर मिनिमम टाइम कहा है उसने, तो जाहिर सी बात है मिनिमम टाइम तभी होगा ना। ये जो डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को देखो, इसमें जहां हाइट कम अटेन हुई है, जब हाइट कम अटेन हुई है तो टाइम कम लगेगा, हाइट ज्यादा अटेन की होती उसने तो फिर जाहिर है जितने टाइम उसे ऊपर जाने में लगता उतना नीचे आने में लगता, तो इसलिए थीटा डैश पर जो टाइम है वो ज्यादा होगा,
तो इसलिए एग्जामिनर ने जानबूझकर यहां टर्म इस्तेमाल किया है मिनिमम टाइम का, फाइन टोटल टाइम ही करना है हमने, लेकिन बस टी डैश ही फाइन करना है यहां पर। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि टी डैश फाइन करते वक्त जो एंगल पुट करना है आपने वो थीटा पुट करना है, ना के थीटा डैश पुट करना है। आइए अब सॉल्यूशन की जानेब आ जाते हैं, और सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसकी मदद से हम यहां पर जो है वो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर बराबर था वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा, अब इसमें अरेंज कर लेते हैं इसे, आर जी जो है वो मल्टीप्लाई होगा आर से, आर मल्टीप्लाई बाय जी, आर मल्टीप्लाई बाय जी, वो जी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो आप लिखोगे इस तरह से कि आर मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। अब पहले इतनी वैल्यू सॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि रेंज भी पता है हमें, गिवन है हमें, कितनी गिवन है भाई 490 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू है 9.8, और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे आपने डिवाइड कर लेना है वी नॉट स्क्वायर से, ध्यान रहे वी नॉट पे स्क्वायर है, तो 98 के ऊपर स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल्स टू 0.5। ये जो पूरे आपने वैल्यूज पुट की थी ये पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। 0.5 के बाद अब आप यहाँ पे साइन टू थीटा, आपको एक्चुअली थीटा निकालना है, तो उसका तरीकेकार ये होगा कि पहले आप उसमें से साइन को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे, जब साइन को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो टू थीटा बराबर है 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.5। बस अब साइन इनवर्स निकाल लें, तो ये 30 आएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30, और फिर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2, थीटा बराबर आ जाएगा 15 डिग्री के। अब याद रहे कि दो एंगल, दो पॉसिबल एंगल पूछे थे उसने लॉन्च एंगल, तो उसमें से हमने पहले लो ट्रिजेक्ट्री एंगल फाइंड कर लिया, लो ट्रिजेक्ट्री एंगल जो है वो 15 डिग्री है। अब इसमें आपको हाई ट्रिजेक्ट्री एंगल निकालना है, थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, थीटा डैश इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। वैल्यू पुट कर लें इसमें, तो 90 माइनस 15 कर लीजिए, और फिर आंसर आ जाएगा 75 डिग्रीज, थीटा डैश बराबर आ जाएगा 75 डिग्रीज। ये एक हिस्सा सॉल्व हुआ। अब जाकर अब इसमें आपको सवाल जो मैंने शुरू में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि आपको मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट निकालना है, और मिनिमम टाइम का तरीका मैंने क्या बताया था कि निकालना तो टोटल टाइम ही है, लेकिन उस टोटल टाइम में जो एंगल की वैल्यू रखनी है वो लो ट्रिजेक्ट्री वाली रखनी है, रीजन हम उसका डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टी डैश बराबर है 2 वी नॉट साइन थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस ध्यान रहे इस बात का कि थीटा पुट करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 98 इंटू साइन
15 डिग्रीज अपॉन 9.8। इस पूरे को एक साथ सॉल्व करेंगे तो t डैश की वैल्यू आएगी 5.17 सेकंड्स। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद याद रहे कि इस जैसे सवाल जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सिमिलर हैं। ये आपने खुद से अटेम्प्ट करने, कोई ट्रबल होगा तो आज मैं कांटेक्ट दे दूंगा अपना, आप उस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।